नमस्कार दोस्तों, सेबी की तरफ से एफएनओ ट्रेडर्स के लिए सेबी ने कुछ नए नियम निकाले हैं। सेबी ने अनाउंस किया है 6-स्टेप फ्रेमवर्क टू गेट इंडियंस रिड ऑफ एफएनओ एडिक्शन। सेबी ने कहा है कि मार्केट में जो डेली एक्सपायरी हो रही है उसके कारण ट्रेडर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट में नए ट्रेडर्स की एंट्री हुई है और पिछले 2 सालों में ट्रेडर्स की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण 93% ट्रेडर्स अभी लॉस में हैं, जिसमें से जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए मार्केट में आते हैं डेली बेस पे, जिन्हें कोई टेक्निकली नॉलेज नहीं है और सिर्फ वो गैम्बलिंग के लिए आते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं और वो मार्केट में लॉस करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या कोई भी पर्सन जो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए मार्केट में आता है और वो ये सोचता है कि उसका 10 रुपये का लॉट 100 रुपये का चला जाएगा या 1000 रुपये का चला जाएगा, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मार्केट कोई गैम्बलिंग की तरह नहीं चलती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जो सारी चीज़ें हमें देख के ट्रेड करना होता है, तो उनकी वैल्यू हो सकता है इस नए रूल के आने से शायद कम हो जाए। सेबी के जो नए रूल है इसमें NSE के 4 इंडेक्स और BSE के 2 इंडेक्स, इनमें भी अब हमें सिर्फ 2 ही इंडेक्स में ट्रेड हफ्ते वीकली दिखाई देगा। यानी जो इस नए रूल के आने से जो NSE के 4 इंडेक्स है और BSE के 2 इंडेक्स, उनकी एक्सपायरी अब 1 इंडेक्स में होगी, यानी जो डेली बेस पे एक्सपायरी होती थी वो अब कम हो जाएगी। जैसे हमें मार्केट की एक्सपायरी 2021 या 22 में होती थी या उससे पहले होती थी, सेम वैसा ही होने वाला है। वीक में यानी 2 ही एक्सपायरी होगी, वो चाहे बैंक निफ्टी की हो या निफ्टी की हो या कोई भी इंडेक्स, ये NSE और BSE डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी की ही होगी, क्योंकि इनमें ही लॉट साइज़ बहुत हैवी होता है, ट्रेडर्स इनमें ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसा हमें पहले देखने को मिलता था। हो सकता है लॉट साइज इसका इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जो लिमिट थी वो सेबी ने बढ़ा दी है कि 5 से 10 लाख की जो लिमिट थी वो 15 लाख की हो गई है पर एक्सचेंज पर, इस नए रूल के आने से सेबी के। और ये जो नया रूल है ये 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। तो दोस्तों, जो अब स्कैल्पर से जो स्कैल्पिंग करते थे मार्केट में, यानी अपना 5-10 मिनट का ट्रेड लेके मार्केट से आउट हो जाते थे, उनकी वैल्यू हो सकता है कम हो जाए। लेकिन जो मार्केट में गैम्बलिंग करने के लिए आते थे, शायद वो भी अब मार्केट से आउट हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ऑप्शन सेलर के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट हमें 300-400 के अकाउंट मिल जाता था, वो उसका वैल्यू अब बढ़ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जैसा जो हमें प्रीमियम अमाउंट 5,000 में या 6,000 में मिल जाता था, उसकी वैल्यू अब 10,000 से 12,000 तक हो सकती है, क्योंकि लॉट साइज़ के बढ़ने से उसकी प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी जो ऑप्शन बायर 5,000-10,000 में एक लॉट बाय करता था, वो अब बढ़ जाएगी। और जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए भी ये वैल्यू इम्पैक्ट करने वाली है, जो उन्हें 1 लाख में एक लॉट मिल जाता था, वो शायद अब उन्हें 1-1.5 लाख में मिले या थोड़ा महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, प्रीमियम अमाउंट पे इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पर जो उनका प्रॉफिट होगा वो काफ़ी इसमें सही होने वाला है, प्रॉफिट उनका काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको प्रीमियम अमाउंट अगर महंगा होगा तो लॉट भी उनको ज़्यादा मिलेंगे, इस हिसाब से उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हो सकता है इसमें जो स्कैल्पर्स है, जो छोटे ट्रेडर्स है या जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए आते हैं, वो शायद अब दूर हो जाएं प्रीमियम अमाउंट के महंगे होने से। तो दोस्तों, जैसा कि इन द मनी में होता था, 5,000 का लॉट 5,000 पे एक लॉट मिल जाता था हमें, अब वो प्रॉफिट और प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा होता था, लेकिन अब वो इन द मनी में अभी महंगा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी उसी में ज़्यादा होता था और ज़्यादा ट्रेडर्स इन द मनी में ही ट्रेड करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्ता प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, प्रीमियम लॉट आपको सस्ता भी मिलेगा, लेकिन वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। आउट ऑफ द मनी में जो प्रीमियम लॉट है वो सस्ते ज़रूर रहते हैं, पर उनके प्रॉफिट उनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट आपको 5-10 रुपये का मिलेगा, वो चांसेस बहुत कम है कि एक्सपायरी के दिन 100 रुपये तक जाए। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट हो जाए, मार्केट में कुछ मूवमेंट ना मिले, तो आपका जो आउट ऑफ द मनी है वो चाहे मार्केट ऊपर भी जा रही होगी तब भी वो डाउन ही दिखाएगा, आपका प्रॉफिट जो होगा वो लॉस में ही जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके, सबसे बेटर है आप इन द मनी में ट्रेड करें, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।